मेरा नाम तनवीर नांडला है और मैं मुल्तान के एक नवाही इलाके नांडला से बिलोंग करता हूँ। मैं खुद एक डिजिटल मार्केटर हूँ। मेरी स्पेशलिटी जो है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। मैं आई स्किल्स का CEO हूँ। आई स्किल्स बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग के ट्रेनिंग का एक इंस्टीट्यूट है जो कि लोगों को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एफिलिएट मार्केटिंग और ब्लॉगिंग और इसके साथ साथ इन सर्विसेज को बेचना कैसे है, स्किल्स को कैसे एक्वायर करना है, इन सब की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करती है। मैं बेसिकली एक गांव से बिलोंग करता हूं, तो हमारे यहां बहुत ज़्यादा प्रेशर लिया जाता है कि आपने मैट्रिक के बाद कुछ अच्छी रेप्यूटेबल जर्नी को जो है ना वो लेके चलना है। मैट्रिक मैंने अच्छे नंबरों से कर लिया, उसके बाद मुझे प्रेशर आ गया कि मैं इंटरमीडिएट या तो मेडिकल में करूँ या प्री इंजीनियरिंग में करूँ। अब प्री इंजीनियरिंग को जब मैंने ऑप्ट किया तो मुझे केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा समझ नहीं आती थी, तो जिस वजह से मुझे 3 साल लगाने पड़ गए। उन 3 सालों में मैंने लर्न किया कि अगर मैं ट्रेडिशनल वे से चलता रहा तो मैं बहुत ज़्यादा फ्लरिश नहीं कर पाऊँगा, एक अच्छे मकाम पे नहीं पहुँच सकूँगा। तो उसके बाद मैंने BZU यूनिवर्सिटी है यहाँ पे मुल्तान में, उसको ज्वाइन किया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। वहाँ पे कंप्यूटर लैब होती थी जहाँ पे इंटरनेट हमारे लिए अवेलेबल होता था। वहाँ पे सर्फिंग के दौरान ऑर्कट उस ज़माने में एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म था जैसे आज फेसबुक है, तो उसमें मुझे पता चला कि गूगल की एक प्रोडक्ट है जिसे गूगल एडसेंस कहते हैं। गूगल एडसेंस आपकी वेबसाइट की जो ट्रैफिक है उसको मोनेटाइज करने में हेल्प करता है। तो मैंने अपना ब्लॉग बना लिया, उसको गूगल एडसेंस के ज़रिए मोनेटाइज कर लिया और उससे मेरा जो रेवेन्यू है, जो ऑनलाइन अर्निंग का करियर है, वो स्टार्ट हो गया। 2017 में मैंने आई स्किल्स की बुनियाद रखी। प्लान यही था कि चूँकि पाकिस्तान में मुझे गैप नज़र आया कि क्वालिटी एजुकेशन दी नहीं जा रही, दुनिया पूरी ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ बढ़ रही है, स्किल्स डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रही है, जबकि हम ट्रेडिशनल वेज में फंसे हुए हैं। तो इस आइडिया के साथ मैंने आई स्किल्स की बुनियाद रखी 2017 में। उसी के साथ साथ मैंने PITB का एक प्रोग्राम था उसको भी ज्वाइन किया 2017 में, और 2020 तक मैंने उसको छोड़ दिया था। उसके थ्रू हमने 1500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ग्रेजुएट किया जिनमें ज़्यादातर फीमेल्स होती थी। आज वो फीमेल्स घर बैठे बाइज़त रोज़गार कमा रही हैं। आई स्किल्स के प्लेटफॉर्म से हम मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स को ग्रेजुएट कर चुके हैं। इसके साथ साथ करंटली मैं डीजी स्किल्स जो कि पाकिस्तान गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है उसके साथ मुंसलिक हूँ, और उस प्लेटफॉर्म से भी मैं तकरीबन 40,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पास आउट कर चुका हूँ। आई स्किल्स तकरीबन मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स को अभी तक ग्रेजुएट कर चुका है और उनका इम्पैक्ट तकरीबन $200 मिलियन जो कमुलेटिव रेवेन्यू है और स्टैट्स के मुताबिक वो जनरेट कर चुके हैं अपने लिए। अगर हम इसके एसेट्स के हिसाब लगाएं तो वो इंशाल्लाह बिलियंस में जाएगा। अफिलिएट मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि आप किसी भी प्रोडक्ट को बेचने में उसकी हेल्प करते हैं और उसकी प्रोडक्ट बिकने के बाद आप कमीशन अर्न करते हैं। सिंपली जब अमेज़ॉन अफिलिएट मार्केटिंग जब हम करते हैं तो अमेज़ॉन पर मौजूद प्रोडक्ट्स को हम अपनी वेबसाइट के थ्रू बिकवाने में हेल्प करते हैं और उसके थ्रू हम कमीशन अर्न करते हैं। तो उस कमीशन अर्न करने के बाद वो वेबसाइट हमारा एक एसेट बन जाती है। अगर मैं अवार्ड्स की बात करूं, सबसे बड़ा अवार्ड तो मेरे लिए लोगों की जो मोहब्बत है मुझसे बेलॉस वही है। लेकिन इसके साथ 2019 में KPIT बोर्ड एक प्रोग्राम करवाता है हर साल वर्ल्ड बैंक के तावन से, उसमें मुझे पाकिस्तान के बेहतरीन ब्लॉगर का अवार्ड मिला। उसके साथ साथ 2022 में 23 मार्च को परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में ISPR की तरफ से मुझे प्राइड ऑफ पाकिस्तान का अवार्ड दिया गया। दुनिया की सबसे बेहतरीन फीलिंग्स होती हैं वो ये हैं कि आप किसी की कामयाबी का ज़रिया बने हो, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मेरे ज़रिए हज़ारों बच्चों की ज़िंदगियां बदली। मैं जहाँ पे जाता हूँ पेरेंट्स खासकर माएँ इतनी दुआएं देती हैं। मैं ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा HBL PSL का जिन्होंने हमें रिकग्निशन दी और हमें ये प्लेटफॉर्म दिया। इसके साथ साथ किंगडम वैली का जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम अपने आप को प्रेजेंट कर सकें।